तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपी बोर्ड ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है 2020 के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो एमपी बोर्ड स्कूलों को इस बार ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भेजेगा। तो चलिए पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस बार एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक परीक्षाएं हैं वो 20 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। देखिए ये न्यूज़ 4 सितंबर को निकल करके आया है। इस बार बोर्ड की ओर से खास तौर पर कक्षा 9वीं के स्टूडेंट और 12वीं के स्टूडेंट यानी 9वीं और 12वीं की कक्षाओं में जितने भी छात्र छात्राएं शामिल होंगे उनके लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे एमपी बोर्ड के द्वारा। तो एमपी बोर्ड की ओर से यह क्वेश्चन पेपर प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे, यानी उनकी एक लॉगिन आईडी बनाई जाएगी। उस लॉगिन आईडी पर क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के और क्लास 12th के भेज दिए जाएंगे। उसके बाद ये प्रधानाचार्य वो अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करके उस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद यह प्रश्न पत्र स्कूलों में परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को प्रदान किए जाएंगे। तो स्कूलों में इस बार बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ही त्रैमासिक परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। इससे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न समझ सकेंगे। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड ने यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इससे छात्रों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे उसी के आधार पर आपको त्रैमासिक परीक्षाएं होंगी। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर है 2020 के एग्ज़ाम में किस तरीके का आने वाला है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो इस वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।